इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन जीतेगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दस हजार कॉमेंट्स हमें मिलते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग में भाई ओखले के सबसे महंगे सनग्लासेस में लेने वाला हूँ। अगले भाई फिर चल गया भाई का। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ क्रिकेट कार्डियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे भाई। आज होने वाला है हमारा 40 ओवर का एक और मैच। देखते ही देखते भाई हम व्लॉग नंबर 99 पे आ गए हैं भाई। बहुत ही लंबी जर्नी हमने तय कर ली है। फर्स्ट व्लॉग भाई मुझे अभी भी याद है एसजी की फैक्ट्री का मैंने डाला था, एसजी की फैक्ट्री विजिट करी थी। वही है यार, अगर आप ड्रीम नहीं करोगे तो भाई वो चीजें पूरे कैसे होंगी। अभी लास्ट व्लॉग में भाई हमने फ्लाइंग बीस्ट जो कि गौरव तनेजा सर हैं उनके साथ एक ब्लॉग शूट करा था भाई। वो वन ऑफ द टॉप ब्लॉगर्स हैं हमारी कंट्री के, उनके साथ मैच खेलना एक वो ड्रीम कम ट्रू आप सभी लोग बोल सकते हो। अगर आपने वो ब्लॉग चेकआउट नहीं करा है अभी आई बटन पे भाई उसका लिंक आ रहा होगा, जरूर से वो वाला ब्लॉग चेकआउट करना। सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं बैट उठाता हूँ, थोड़ी बहुत नॉकिंग वॉकिंग करता हूँ, थोड़ी बहुत शैडो प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मेंटली मैं प्रिपेयर हो जाऊं कि भाई हाँ आज मैच है और अच्छा परफॉर्म करना है। पूरी कोशिश है इन दो ब्लॉग 99 और 100 इन दोनों में स्कोर करूं। पूरी मेहनत पूरी जान से खेलने वाला हूँ आज। यार अभी तक मैंने एक क्रिकेट एक्सेसरी पे पैसे नहीं लगाए हैं जो कि हैं क्रिकेट के सन ग्लासेस। ओखले के काफी महंगे आते हैं। मैं सोच रहा हूँ व्लॉग नंबर 100 में हम क्रिकेट के ओखले सन ग्लासेस लें। आज के व्लॉग में भाई 10,000 कॉमेंट्स कर देते हो सबसे बेस्ट और सबसे महंगे क्रिकेट के ओखले सन ग्लासेस में बाय करूंगा आज के व्लॉग में भाई 10,000 कमेंट्स। अगर नहीं होते हैं तो भाई नहीं करने वाला। देखो साफ सीधी सी बात है, नॉर्मल आपको ब्लॉग 100 दिखेगा बट अगर आप लोग कर देते हो तो भाई बहुत मोटा खर्चा मेरा बैठने वाला है। तो नीचे कमेंट में जाओ और जरूर स्पैम कर दो भाई सीसी सनग्लासेस, सीसी सनग्लासेस। आज का भाई मैं आपको एक स्पेशल रेसिपी भी बताने वाला हूँ कि भाई जो मेरी 100 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें एक मैं शेक पिया करता था, प्रोटीन शेक आप ये इसको बोल सकते हो। मैं उस शेक को कैसे बनाता था और वो मेरे को एनर्जी कितनी क्या कुछ देता था सारी चीजें बताऊंगा। अभी चलते हैं सीधा किचन में, वो शेक बना के आप सभी को दिखाता हूँ, रेसिपी बताता हूँ, बहुत बढ़िया शेक बनता है तो जरूर उसे ट्राई करना। आप चलते हैं सीधा किचन में और आपको दिखाते हैं उस शेक को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो जीरो पे हमारा वेइंग स्केल को कैलिब्रेट कर देता हूँ और एक ये ओट्स आते हैं भाई, देख लो ये कौन सा ब्रांड है। इसको पीस के मैंने इसमें डाल रखा है, मतलब इसमें जार वार में पीस वीस के प्रॉपर इसमें। ये 50 ग्राम हम लेंगे, 50 ग्राम फटाफट से डाल लेते हैं। देख लो भाई 52 ग्राम हो चुका है, इतना चलेगा। इसके बाद भाई हम डालेंगे अपना ये दो केले डाल लेते हैं फटाफट से। पिंटोला का भाई हाई प्रोटीन पीनट बटर मैं लेता हूँ, इसकी एक चम्मच डाल दो पूरी। और कोई मीठा वीठा कुछ नहीं डालेंगे, जो मीठा है इसमें नेचुरली एडेड है तो वही आ जाएगा अपना बढ़िया। एक पूरी चम्मच। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो जुगाड़ देखो तुम्हारे भाई का। एक केले का पीस एक छोड़ दिया था हमने, इस केले के पीस से आधा मग दूध डाल देंगे पूरा, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है भाई, मिक्सी में घुमा दो अपने बढ़िया। और इसके जो भी मैक्रोज और जो भी आपके प्रोटीन होंगे वो यहाँ पे एक मैंने टेबल बना दी होगी तो उससे चेकआउट कर लेना। A few moments later. ये देखो बढ़िया चॉकलेटी एंड टेस्ट करते हैं भाई, बहुत बढ़िया लगता है। थोड़ा हैवी हो जाता है बट हाँ वर्कआउट के बाद ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद आप ये जरूर से ट्राई कर सकते हो। फटाफट से तैयार होते हैं, किटवेट पैक करते हैं, ड्रेस प्रेस पहनते हैं और निकल जाते हैं ग्राउंड के लिए। भाइयों आज की विकेट ये होने वाली है, देख लो भाई पास से। और भाई धूप तो निकल रही है बट बादल भी आ रहे हैं तो बारिश की भी संभावना है। जबरेल भाई टॉस का क्या रहा? जीत गए, क्या ली? जीत के बैटिंग लिया? जीत के बैटिंग लिया। क्या बात है भाई, लास्ट के 3 व्लॉग से हमारी बैटिंग आ रही है और देखते हैं आज के बैटिंग में क्या रहने वाला है। इस ग्राउंड में तो स्पेशली हमने भाई लास्ट के 2-3 मैच खेले हैं तो जीते हैं टॉस और फिर बैटिंग आई है। अब देखते हैं, दूसरी टीम आ चुकी है फील्डिंग पे, ये रही ये बेल्स। मेरा
मेरे हाथ में ही है, वो नीचे गिर गई। ओपनर हमारे तैयार, नाम बताइए। विनर। कितना क्या प्रेडिक्शन आपकी, कितने स्कोर बनाएगी आज हमारी टीम? 250। स्कोर प्रेडिक्शन 210। 250, 210। मैं बोलता हूँ बीच का 235। चलो भाई खेलना, चलो। कैप्टन भाई जबरेल को डाल दो। जय माता दी। तो भाइयों स्कोर आप सभी को ऊपर नज़र आ ही रहा होगा, अभी अभी लेग स्पिनर पे एक विकेट गिरी हमारी, कि देखते हैं कैसे क्या विकेट चल रही है। बारिश का तो मौसम हो रहा है। अरे बारिश आ गई थी यार, ना बारिश आ गई यार, बहुत साल से इंतजार कर रहे थे पांडे से बनाने के लिए, आज भाई नंबर आया। कैसे चल रही है? हाँ कैसे चल रही है? सीधी सीधी बॉल आ रही है, लगता हूँ टर्न नहीं हो रही, टर्न करा ही नहीं है, या तो फिर पता नहीं, लेकिन बॉल सीधी सीधी थी, लगता भी टर्न हुई नहीं है उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है। लेग दिए भाई, वेट वेट पकड़ ले, ओवर वेट। बढ़िया बढ़िया, दो देख दो देख दो देख दो देख ना, आ जा जा जा। दूसरे विकेट गिरते हुए जो अभी ओवर डाल रहा है ना, वो थोड़ी लूप भी दे रहा है और थोड़ा टर्न भी है उसकी, थोड़ी ठीक से खेल लियो, बाकी दूसरा तो तेज तेज मारता है, खेलते रहिए पूरा। मेरे स्ट्राइक है, ओवर होगा। पिछला ओवर सही चला गया, दो चौके आ गए, थोड़ा प्रेशर खुल जाता है ऐसे। कभी भी बैट से अच्छी नहीं लग रही हो ना, तो स्टेप आउट की कभी सोचना ही नहीं है, ठीक है, ये दिमाग में रखियो। कभी बात कभी भी टीम फंस रही है या फिर ऐसा, स्टेप आउट नहीं, अपने खड़े खड़े खेल जाओ, खेलना खेलियो भाई, इतनी टर्न वन कुछ नहीं हो रही, ठीक है। आजा 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 आजा
या आजा 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 भाई अभी 20 ओवर हो चुके हैं। 20 ओवर में भाई 90 रन है, 4-5 विकेट गिर चुके हैं, इसलिए स्कोर थोड़ा कम है। मैं तो चला रहा हूँ अपनी साइड से, बाकी दूसरी साइड से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत हो रही है। बॉलर अच्छे हैं, पकड़ के डाल रहे हैं एक टिप पे, एंड चेंज हो गई अब। या या आजा 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 या आजा आजा मार दे इधर बॉल गेट बहुत गया शॉट दे भाई दूसरे एंड से मार रहा हूँ यार। क्या ले बढ़िया बढ़िया आपने सुना कुछ नहीं चल रही सीधी सीधी है सीधी सीधी है यार तू यार एट पैर के खेल अरे ना ना अरे जा पा मैं जेड़ो ना लाइन मोड़ी है यार आ जा आ जा चलो चलो से कहीं थी ना बेस्ट करो और क्या तेरा मार्केट में बयानी की जा यार जा तू तो मैंने देख लूँगा चल जा खेलियो भाई पूरा ठीक है अभी बहुत ओवर पड़े तो भाई एक और विकेट आउट LBW एक एंड से गिरे जा रहे हैं गिरे जा रहे हैं गिरे जा रहे हैं प्लेट सामने आ रहा बॉलर बाल बाल बचा अच्छी कनेक्ट हो रही है अभी तक रुक गया वेट छोटी थी लगी थोड़ी तेज आ गई भाई हमारा तो चल रहा था यहाँ पे लंच
देखते ही देखते हमारे तो प्लेयर ऑल आउट ठीक चल रहा था। सिंगल डबल बाउंड्री सिंगल ही ले रहा था, चौका मार ही नहीं गया। एक इनिंग हो चुकी खत्म। ये रखे भाई हमारे पैड वैड्स, खाना खा लेता हूँ सबसे पहले क्योंकि इसके बाद विकेट कीपिंग भी करनी है वहाँ पे जाके। तो भाई वो मौसम भाई हो चुका है बारिश का, बट मुझे लग नहीं रहा है, हवा हवा सब सही चलने लग गई है। स्कोर क्या है, टारगेट क्या है इनको? 174 वी विल गोना विन दिस मैच। ओ यस भाई, लास्ट ब्लॉग में पूछ रहे थे एक फीमेल क्रिकेटर थी, उनका नाम क्या था, नाम बता दीजिए अपना। ज्योति यादव। कहाँ का खेल रखा है आपने? हरियाणा से स्टेट रणजी अंडर 19। तो यस गाइस, फीमेल क्रिकेटर भी हमारे साथ खेलती हैं। और एक ये मेल क्रिकेटर देखिए हमारे। अब आ चुकी है हमारी विकेट कीपिंग की बारी। बैटिंग में भाई हार्ड लक, आप सभी ने वो ओवर तो देखा ही होगा, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ अपने आप से। गलत शॉट खेला मैंने, सामने नहीं साइडवेज मारना चाहिए था। एक पुल शॉट की बॉल आई, उस पर छक्का मारा। दूसरी स्लोअर वन आई फुल टॉस, उसको भी छक्का मारा। तीसरी वाइड और चौथी बॉल यार ऊपर लग गई उस स्टिकर पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ मैं अपने आप से। बिल्कुल एक्यूरेट 50 रन मैंने बनाए, मुझे पता नहीं था मैं 50 पे खेल रहा हूँ, बट हाँ 50 रन 99th ब्लॉग में। क्या अगले ब्लॉग में 100 बन पाएगी? आज बहुत अच्छे टच में था, बहुत मजे आ रहे थे। जो मेरे टीम मेट्स थे उनने भी बताया यार कि भाई बहुत प्यारी बैटिंग कर रहा था आज, पता नहीं क्यों आउट हो गया तू। और सेलिब्रेशन तो आप सभी ने देखी होगी बॉलर की, यार होता है हमारे साथ ऐसा बहुत होता है ब्लॉगर्स के साथ कि भाई कैमरा देख के दूसरे लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा नहीं, आप सभी ने देखा ही होगा, मेरे को पता लग गया था जैसे ही बॉल मेरे बैट से लगी थी वैसे ही मुझे पता चल गया था कि भाई आउट ही होने वाला हूँ। बाकी अब चलते हैं, बारिश का मौसम हो चुका है। अच्छी हमारी टीम 175 रोक पाएगी या फिर नहीं? सारे तगड़े हो गए, 1 2 3 पे जय माता दी। ठीक है 3 जय माता दी। रोकियो, अरे आओ तो आउट स्विंग करा दी। चेक करियो यार, ओ या तो अंदर बुला ले या बाहर भेज दे। बॉल बाहर देगी, बाहर अच्छा खेलता है, विकेट टू विकेट। चौदह ओवर 77 रन्स 0 विकेट। भागियो भागियो, टॉप स्पिन ट्राई ट्राई ट्राई। बॉल बॉल, पेशेंस बहुत है, मजाक नहीं। टेस्ट मैच में तो ले तेरी डॉट बॉल, ले तेरी डॉट बॉल को टेस्ट करा इनके साथ। अब देख ये भाई साहब कीपिंग करेंगे। हेलो कर दो विनय भाई। हाय, इनर भेज दिया मेरे? हाँ भाई, क्या कर रहा है तू, खोद रहा है पूरी विकेट को यार। ले आ लड़के, दे फेंक दे। Thank you.
कहा दे रहा है, लेफ्टी लेफ्टी कोई बाहर डाल रहा है। इजी विन गाइस, बहुत आसानी से जीतेंगे, बट दूसरी टीम एक बैट्समैन आउट नहीं हो रहा है। भाई सच बताओ ना, इसकी और आप में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। आप मतलब जैसे विकेट ना, विकेट के बस इशू जाओगे, पूरा नहीं आता ऐसे। ठीक है भाई, बिल्कुल काम करेंगे इस चीज का। ये पेट नहीं है ये पेट। अरे भाई सांस लो, बता यार पेट हमेशा बाहर रहेगा क्या भाई? अभी भी बहुत कम है आपसे। अरे कोई, मैं कह रहा हूँ हो जाए, तू कह रहा है कम, क्या हो जाए? चलो भाई चलो यार। ओ भाई भाई कैमरे में सब सूट हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो बाद में क्या हो रहा है भाई, देख सकते हो क्या हो रहा था आपके साथ। फील्डर लड़के बॉल या बैटिंग एंड चल 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 आजा आजा उड़िया लड़के ट्राई। हाँ चल चल रुक जाएगी, चल लड़के भाई इस जगह पे अगर गन भाई होता तो जरूर आउट हो जाता भाई। ट्राई तो भाई पूरी करी थी लेकिन अभी नहीं। भाई बहुत गंदी तरीके से आ रहे, लाइफ में अभी तक ऐसे कभी नहीं आ रहा सच में भाई। हालत देखो भाई हारने के बाद टीम की, एंजॉय कर रहे हैं एंजॉय जीरो जीरो जब से मैच की बात हो रही है। कितने बॉलों में? चार में। ओ भाई साहब जो आठ आठ विकेट लेते हैं वो विकेट लेस जा रहे हैं यार, कैसे जीतेंगे हम? भाई मैंने तो चांस, भाई मैंने तो चांस क्रिएट किया। देखो ऐसी टीम है हमारी, ऐसी टीम है वो। देखो उस भाई ने जिसने कैच छोड़ी उसने तो अपना चेहरा ही छुपा लिया, और एक बंदा था जो एक बंदा जिसने स्लिप में कैच छोड़ी वो तो भागी गया। कोई गेम तो सिंगल मैन का है नहीं, पूरी टीम का होता है तेरा भाई, ऐसा क्यों है? ठीक है मैंने एक कैच छोड़ी यार, एक ही प्लेयर से पूरी टीम जीत गया। अच्छा कमेंट करके बताइए, बॉलरों का काम नहीं है भाई, जस्टिस जस्टिस फॉर भाई। देख ले भाई फिर चल गया भाई का, देख ले कमेंटमेंट, देखो यार कमेंटमेंट में कोई कमी है लड़के के? भाई सब अपना अपना बता दो, आपके आपके हिसाब से किसकी वजह से आ रहा है आप बताओ भाई, आपकी वजह से, आप इनकी वजह से। सन्नी आप बताओ भाई, आपकी मेरी गलती है, मैंने एक कैच छोड़ा। आप बताओ भाई के लिए क्यों भैया? सर की वजह से और उनकी वजह से, एक विकेट भी ला लिया, विकेट टेकर में नहीं रहते थे, चार चार पांच पांच आठ आठ विकेट। भाई एक उंगली उधर कर रहे हो ना तो तीन इधर है। तो भाई वो मैच हो चुका है खत्म भाई, काफी गर्मी थी, आपको शक्ल वकल तो नजर आ रही होगी भाई, पूरे टैन हो चुका हूँ। आज का मैच हम हार गए भाई, काफी अच्छा खेली भाई दूसरी टीम, एक भी विकेट हमारी टीम नहीं ले पाई, 30 ओवर में ही उन्होंने ये टारगेट चेज कर लिया, 10 विकेट से आज हम मैच हार गए हैं। बुरा लग रहा है यार क्योंकि भाई बैटिंग हमारी कहीं ना कहीं बैटिंग लैग करी, क्योंकि इस विकेट पे भाई आराम से 250-300 स्कोर हो सकता था। मैं जब बैटिंग करने आया भाई लगातार विकेट पे विकेट गिरे जा रही थी, फिर स्ट्राइक भी रोटेट नहीं हो रही थी, तो एक एंड से तो मैं जब भी मेरे को स्ट्राइक मिल रही थी एक आधी बाउंड्री निकाल रहा था, बट वही 50 रन पे मैं भी आउट हो गया। स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा जोश था हमारे सारे ग्रुप का, बट वही धीरे धीरे की भाई सेलिब्रेशन तो आप सभी ने देखा ही होगा भाई। स्कोर की बात करें तो भाई अभिनव भाई दूसरी टीम से 88 रन मारे उन्होंने, अर्नव भाई ने 68 रन, हमारी टीम में से तो किसी ने विकेट ली नहीं। और बाकी आप सभी लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 अक्टूबर को जो मैच होने वाला है वो कौन जीतेगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर 10,000 कमेंट हमें मिलते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग में भाई ओखले के सबसे महंगे सनग्लासेस मैं लेने वाला हूं, 100th व्लॉग में हमारे 99th व्लॉग में हमारे 50 रन लगे, और बाकी 100th व्लॉग सेंचुरी या फिर क्या होने वाला है 100th व्लॉग जरूर देखना यार। आज और बड़ा स्कोर मैं कर सकता था, प्रेशर थोड़ा सा कम रहता, तो मिलेंगे आपको जल्दी नए व्लॉग में। आज माफ़ कर देना यार, आज हमारी टीम हार गई काफ़ी बुरे तरीके से, मैं बोलूँगा प्रैक्टिस मैच था, टूर्नामेंट भी आ रहा है यहीं पे इसी ग्राउंड पे हम टूर्नामेंट खेलने वाले हैं। 99 व्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट 10,000 कमेंट्स क्या इस व्लॉग पे हो पाएंगे, बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। Na jaane kyun